टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर वन ऑफ क्लास एट्थ दट इज रेशनल नंबर्स आज सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन है नेचुरल नंबर वो सभी नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हो जिनको हम गिन सकते हो उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं एग्जाम्पल वन टू थ्री सेवन नाइन फिफ्टी थ्री वन थाउजेंड वन थाउजेंड फिफ्टी फोर थाउजेंड वन लैक एक्सेट्रा वन से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर एज नेचुरल नंबर्स वो सभी काउंटिंग नंबर्स जीरो को मिला के क्या कहलाए जाते हैं आपके होल नंबर्स कहलाए जाते हैं वो क्या होते हैं आपके होल नंबर्स होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स सभी काउंटिंग नंबर पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन को मिला के हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं जीरो को इंक्लूड करके दर देखिए जैसे ये हमारा क्या है नंबर लाइन है इस पर यहाँ पे हमने क्या लिया ये जीरो लिया यहाँ पे हमने वन लिया यहाँ पे हमने टू लिया यहाँ पे हमने माइनस वन लिया यहाँ पे हमने माइनस टू लिया ये हमारी क्या है एक नंबर लाइन है जब हम जीरो से राइट साइड पर चलेंगे तो ये हमारे कहाँ यहाँ पर सब के सब हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जब हम जीरो से लेफ्ट साइड चलेंगे यहाँ पर सब के सब हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो सभी हमारे पॉजिटिव नंबर्स सभी हमारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो को मिला के क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं अब पूछा जाए कि जीरो हमारा कैसा इंटीजर है तो जीरो इज नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव जीरो ना ही तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना ही हमारा पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन सभी पॉजिटिव नंबर सभी नेगेटिव नंबर और जीरो हमारे किस में आते हैं इंटीजर्स में आते हैं आगे देखिए आगे जो नंबर है हमारे कि 1.5, पॉइंट फाइव वन अपॉइंट टू ये जो नंबर है ये किस कैटेगरी में आते हैं तो 1.5, 1 अपॉइंट टू सेवन अपॉइन एट नाइन अपॉइन सिक्स ये सब के सब नंबर किस कैटेगरी में आएंगे थ्री अपॉइन टू ये सारे के सारे नंबर्स हमारे किस में आएंगे रेशनल नंबर्स में आएंगे किस में आएंगे सारे के सारे नंबर्स ये रेशनल नंबर्स में सब के सब ये हमारे आते हैं आगे देखिए नंबर सिस्टम देखिए पूरा सबसे पहले हमारा क्या है नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू इन्फिनी आगे फिर सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या हैं होल नंबर्स है। होते हैं होल नंबर्स में हमारे में क्या आ जाता है जीरो को इंक्लूड कर देते हैं सभी नेचुरल नंबर में जीरो को और मिला देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा इंटीजर्स हमारे क्या हो जाते हैं सभी नेचुरल नंबर हो होल नंबर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर हमारे क्या बन जाते हैं इंटीजर्स बन जाते हैं रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स को मिला के हमारे क्या बन जाते हैं रेशनल नंबर बन जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं जो हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं जो हमारे पीएप ओन क्यू तो की फॉर्म में होते हैं और रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं सभी रेशनल नंबर्स और इेशनल नंबर को मिला के हमारे तो क्या बनते हैं रियल नंबर्स बनते हैं रेशनल नंबर जिनको पीएप ओन क्यों की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें इरेशनल नंबर जिनको पीएप ओन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता हो आगे देखिए रेशनल नंबर्स क्या हैं एक ऐसा नंबर जिसको हम P एंड Q की फॉर्म में क्या कर सकते हो एक्सप्रेस कर सकते हो जैसे हमारा क्या है सेवन अपॉन एट है जैसे हमारा क्या है टू अपॉन इलेवन है तो ये देखो ये हमारा क्या है P अपॉन Q की फॉर्म में है नहीं ये हमारा क्या है P P और Q की फॉर्म में है ये हमारा है P और Q की फॉर्म में है। Q जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों हमारा जीरो नहीं होना चाहिए पी एंड क्यू दोनों हमारे क्या हो सकते हैं दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं दोनों हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं अब आगे बात करते हैं जीरो कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है नहीं है तो यस जीरो को हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं दैट इज हमारी क्या हो गई पी अपॉन Q की फॉर्म में ये हो गया ठीक है तो जीरो हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है अगर हम बात करते हैं हम कि हमने लिया यहाँ पर फोर अपॉन जीरो लिया हमने यहाँ पे लिया फोर अपॉन जीरो तो फोर अपॉन जीरो क्या रेशनल नंबर है हमारा नो no. फोर अपॉन जीरो रेशनल नंबर नहीं है ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइन इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं ठीक है जैसे आगे हमसे कहा जाए कि हमने लिया यहाँ पर सिक्स अपॉन थ्री सिक्स अपॉन थ्री लिया अब सिक्स अपॉन थ्री से हमारा क्या बन गया टू बन गया तो क्या टू रेशनल नंबर हमारा है तो यस yes, टू को हम लिख सकते हैं टू अपॉन वन तो टू हमारा क्या है रेशनल नंबर है जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो ठीक है क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए मतलब फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है वो हमारे क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे लेकिन क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और जीरो भी हमारा कैसा होता है रेशनल नंबर होता है आगे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन देखिए हम क्वेश्चन के मार्फत से मैं आपको बताती हूँ जैसे एग्जाम्पल में है फोर अपॉइंट सेवन कि फोर अपॉइंट सेवन को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें सबसे पहले ये देखिए कि फोर अपॉइंट सेवन हमारा स्मॉलर देन वन है या ग्रेटर देन वन है जो भी आपको फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई है वो आपको यह बतानी है कि ये आपकी कैसी है मतलब ये आपकी जो वो है ये नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो फ्रैक्शन है वो हमारी कैसी है स्मॉल है या ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए वो फ्रैक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए स्मॉलर देन वन होनी चाहिए ठीक है फोर अपॉइंट सेवन हमारी क्या है स्मॉलर देन वन है फोर अपॉइंट सेवन इज स्मॉलर देन वन ठीक है तो फोर अपॉइंट सेवन में लाई करेगी ये हमारा जीरो और वन के बीच में लाई करेगा मतलब फोर अपॉइंट सेवन हमारा जीरो से ग्रेटर है वन से क्या है स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी और जीरो रिप्रेजेंट करा इस पर हमने और यहाँ पे क्या करा वन रिप्रेजेंट करा अब जीरो और वन के बीच में हम क्या करेंगे सेवन पार्ट्स कर लेंगे हम क्यों ये देखेंगे जो हमें फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए बोली गई है उसका डिनोमिनेटर क्या है इसका डिनोमिनेटर है सेवन तो सेवन पार्ट हमने कर लिए अब ये देखेंगे इसका न्यूमरेटर क्या है तो न्यूमरेटर है इसका फोर तो ये वाली जो होगी ये हमारी क्या हो जाएगी फोर अपॉन सेवन हो जाएगी ठीक है दोबारा देखिए एक बार सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है मैं नंबर लाइन पर वो हमारी वन से ग्रेटर है या वन से स्मॉल है तो ये जो फ्रैक्शन है हमारी फोर अपॉइंट सेवन हमारी ये क्या है हमारी वन से हमारी क्या है ये फ्रैक्शन स्मॉल है मतलब जीरो और वन के बीच में लाई कर रही है तो नंबर लाइन पर जीरो और वन ले लेंगे और जीरो और वन के बीच में क्या कर लेंगे हम जितनी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा उतने उसमें क्या कर लेंगे पार्ट्स कर लेंगे जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेवन है तो यहाँ पे हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पार्ट्स यहाँ पर हमने कर लिए अब ये देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है तो न्यूमरेटर है इसमें फोर तो जो फोर वाला होगा वन टू थ्री फोर तो ये फोर वाला ही जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा फोर अपॉन सेवन हो जाएगा अगर देखिए सेवनटीन अपॉइन फाइव मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले देखेंगे जिस फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो फ्रैक्शन हमारी वन से स्मॉल है वन से ग्रेटर है अगर फ्रैक्शन हमारी वन से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे उसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम उसको होल नंबर में लिखेंगे जब मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करा तो हमारे पास यहाँ से आया थ्री होल टू अपॉइंट फाइव मगर थ्री तो हमारे होल में है ही है और क्या है टू अपॉन फाइव तो ये देखेंगे जितनी भी हमारे होल में होंगे और उसका अगला जो नेक्स्ट नंबर क्या है वो क्या है फोर तो हमारा क्या होगा थ्री होल टू अपॉन जो फाइव होगा वो किसके बीच में आएगा थ्री एंड फोर के बीच में आएगा, आएगा. ठीक है तो हम क्या करेंगे नंबर लाइन ले लेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम करते हैं जीरो वन टू थ्री तो यहाँ पर हम क्या लेंगे थ्री और फोर लेंगे थ्री और फोर के बीच में हम क्या करेंगे फाइव पार्ट्स करेंगे क्यों क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है फाइव है तो वन टू थ्री फोर फाइव हमने क्या करें यहाँ पे फाइव पार्ट्स कर लिए अब देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है न्यूमरेटर है हमारा टू तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा थ्री होल टू अपॉन फाइव दोबारा से सुनिए सेवनटीन अपॉन फाइव हमारा क्या है ग्रेटर देन वन है तो इसको हम क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने होल में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया थ्री होल टू अपॉन फाइव तो ये जो फ्रैक्शन होगी हमारी किसके बीच में लाई करेगी थ्री और फोर के बीच में लाई करेगी क्योंकि तो देखो थ्री तो यहाँ पे कंप्लीट है ही है पूरे थ्री के अलावा टूट टू अपॉन फाइव हो रहे तो हमने क्या करा थ्री और फोर के बीच में हमने क्या कर लिया थ्री और फोर लिया नंबर लाइन पर हमने कितने पार्ट्स करेंगे जितने टू अपॉइंट फाइव का डिनोमिनेटर क्या है फाइव तो वन टू थ्री फोर फाइव हमने क्या करा है यहाँ पर फाइव पार्ट्स हमने कर लिए उसके बाद में देखेंगे जो हमारा न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर हमारा क्या है न्यूमरेटर हमारा टू है तो ये वाला हो जाएगा वन टू थ्री के बाद देखेंगे वन टू ये वाला हो जाएगा हमारा ओके okay. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशन नंबर्स कि रेशल नंबर्स की क्या होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे फर्स्ट है क्लोज़र प्रॉपर्टी कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स तो देखिए ऑपरेशन एडिशन में देखिए सबसे पहले देखिए क्लोज़र प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है क्लोज़र प्रॉपर्टी कह रही है जब भी हम दो रेशन नंबर का क्या करते हैं ऐड करते हैं या किन्हीं भी दो रेशन नंबर का हम क्या करते हैं सम करते हैं तो उनका जो सम आता है वो भी हमारा क्या आता है रेशनल नंबर ही आता ये कंडीशन हमारी किस में अप्लाई होगी ये कंडीशन हमारी मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है सब में भी अप्लाई होती है और डिवाइड में भी अप्लाई होती है कि जब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का हम चाहे सम करें चाहे सब करें चाहे उनकी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा रियल नंबर ही रेशन नंबर ही या रियल नंबर ही आएगा यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं ऑपरेशन एडिशन पढ़ रहे हैं अब हम एडिशन की बात कर रहे हैं ठीक है तो जैसे देखो हमने दो रेशन नंबर जैसे लिए यहां पे हमने लिया फोर अपॉन फाइव लिया यहां पे हमने और यहां पे हमने लिया सेवन अपॉन फाइव दोनों को हमने ऐड करा यहां से आया इलेवन अपन फाइव तो देखो फोर अपॉन फाइव भी रेशन नंबर है हमारा सेवन अपॉन फाइव भी हमारा रेशन नंबर है और इन दोनों को ऐड करके जो है वो भी हमारा क्या एक हैेशन नंबर है यहां पे उन्होंने क्या लिया है देखो ए अपॉन बी लिया एक रेशन नंबर और सी अपॉन डी लिया है अब देखो जैसे यहाँ पर टू अपॉन नाइन और फोर अपॉन नाइन लिया एग्जाम्पल में तो यहाँ पे क्या है टू प्लस फोर कितने होते हैं सिक्स तो सिक्स अपॉन नाइन हो गया कट करा थ्री से तो क्या आ गया टू अपॉन थ्री तो टू अपॉन नाइन भी एक रेशनल नंबर था फोर अपॉन नाइन भी एक रेशनल नंबर था और इन दोनों को सम करने पर जो नंबर आया टू अपॉइंट थ्री वो भी हमारा क्या एक रेशल नंबर है नेक्स्ट फाइव प्लस वन थ्री जब फाइव प्लस वन थ्री को एड किया तो यहाँ से हमारा सिक्सटीन अपॉइन्ट थ्री आया इसको हमने होल में लिखा तो ये भी हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है आगे देखिए कॉम्पुटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्पोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है जब भी हम दो टर्म्स लेंगे तो उनका ऑर्डर जब हम चेंज करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या होगा चेंज नहीं होगा जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या करा ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दो रेशन नंबर हमने यहां पर लिए हैं ठीक है यहां पे हम करते हैं ए अपॉन बी प्लस सी अपन डी और यहां पे हमने करा सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी तो रिजल्ट सम जो आएगा दोनों का वो क्या आएगा सेम ही आएगा सम में कोई भी चेंज नहीं आएगा देखो जैसे यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल में देखिए वन अपॉइंट टू प्लस टू अपॉइंट फाइव इक्वल टू टू अपॉइंट फाइव प्लस वन अपॉइंट टू यहाँ पे हमने वन अपॉइंट टू पहले लिया है टू अपॉइंट फाइव बाद में लिया है यहाँ पे हमने टू अपॉइंट फाइव पहले लिया है वन अपॉइंट टू बाद में लिया है यहाँ पर देखो इन दोनों का सम किया तो नाइन अपॉइंट टेन आया इन दोनों का करा नाइन अपॉइंट टेन आया यहाँ पे हमने क्या करा टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है वन अपॉइंट टू यहाँ पहले या वन अपॉइंट टू बाद में या टू अपॉइंट फाइव बाद में या टू अपॉइंट फाइव पहले तो अगर हम टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उससे उनका रिजल्ट चेंज नहीं होता है और कॉम्पिटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये हमारी किस पे लागू होती है एडिशन पर भी अप्लाई होती है और किस पे होती है हमारी ये मल्टीप्लीकेशन पर भी अप्लाई होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिविजन के लिए ये वर्क नहीं करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है जब हम क्या करते हैं थ्री नंबर्स लेते हैं या थ्री से ज्यादा नंबर्स लेते हैं उनका हम क्या करते हैं सम करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है चेंज नहीं होता है चाहे उन्हें हम किसी भी वे में ग्रुपिंग उनकी हम करें जैसे देखो यहाँ पर क्या है हमारा ए अपोन बी प्लस सी अपोन डी प्लस ई अपोन एफ यहाँ पर हमने क्या करा है सी अपन डी प्लस ई अपन एफ की ग्रुपिंग कर दी है यहाँ पे हमने क्या करा है ए अपॉन बी प्लस सी ए डी की ग्रुपिंग हमने कर दीजिए देखो यहाँ पे पहले हमने क्या करा है इसकी ग्रुपिंग करी है यहाँ पर और यहाँ पे इन दोनों की ग्रुपिंग करिए ठीक है चीके? अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए टू अपॉइंट थ्री प्लस ब्रैकेट में वन अपॉइंट टू प्लस टू ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वन अपॉइंट टू प्लस टू की हमने क्या कर दी ग्रुपिंग कर दी और यहाँ पे क्या किसकी कर दी टू अपॉइंट थ्री प्लस वन अपॉइंट टू ब्रैकेट क्लोज प्लस टू ग्रोपिंग ग्रुपिंग का मतलब है जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिया है उसका पहले हम क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं तो देखो टू अपॉइंट थ्री प्लस ग्रुप के अंदर वाला जो है ब्रैकेट के अंदर वाला है उसको सम करने पे क्या आता है फाइव अपॉइन्ट टू आता है तो यहाँ से आंसर आया थ्री होल वन अपॉइंट सिक्स यहाँ से आंसर क्या है थ्री होल वन अपॉइंट सिक्स यहाँ पर देखो पहले सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ की ग्रुपिंग की है यहाँ पर हमने ए अपॉन बी प्लस सी अपॉइन डी की ग्रुपिंग की है तो देखो ग्रुपिंग जो हमने करी है वो हमने क्या करी है डिफरेंट डिफरेंट वे में करी है लेकिन जो उनका रिजल्ट है जो उनके सम करने पर जो रिजल्ट आया वो क्या है चेंज नहीं हुआ वो क्या आया है सेम आया है नेक्स्ट हमारी क्या है एरेटिव आइडेंटिटी किसी भी रेशनल नंबर को हम जीरो के साथ क्या कर देते हैं सम कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है वो नंबर इट्स ही आता है जैसे हमने क्या लिया सेवन अपॉन थ्री लिया और प्लस जीरो करा तो यहाँ से हमारा क्या आएगा सेवन अपॉन थ्री ही आएगा यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ए प्लस जीरो कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा ए ही आएगा किसी भी नंबर में किसी भी रेशनल नंबर में जब हम जीरो ऐड करते हैं या जीरो का सम करते हैं तो वो रेशनल नंबर का इट्स ही क्या होता है उसका आंसर उसका सम या उसका रिजल्ट होता है एडिटिव इनवर्स में क्या होता है एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है जो हम एडिटिव इनवर्स करते हैं कैसे देखो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए थ्री अपॉइन फाइव का एडिटिव इन्वर्स करना है तो यहाँ पे क्या आया माइनस थ्री अपॉइन फाइव और यहाँ पे हमने क्या करा माइनस थ्री अपॉइन फाइव का एडिटिव इन्वर्स करना तो क्या आया थ्री अपॉइन फाइव मतलब ये है कि साइन चेंज हो जाएगा अगर हम एडिटिव इन्वर्स करेंगे फोर का तो वो आएगा माइनस फोर और हम करेंगे माइनस फोर का तो वो हमारा क्या आएगा फोर आएगा जो ओरिजिनल नंबर है वो प्लस जो उसका एडिटिव इन्वर्स किया है वो दोनों को ऐड करने पे सम हमारा क्या आएगा जीरो आएगा ध्यान रखना जो हमारा ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था देखो फोर था एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस फोर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो सम आएगा वो हमारा क्या आएगा जीरो ही आएगा ठीक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है जब हम किसी भी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारा क्या रहता है सेम रहता है जैसे देखो यहां पे हमने करा ए मल्टीप्लाई वन ए में हमने वन से मल्टीप्लाई करा तो क्या रहा आंसर हमारा ए फोर में मल्टीप्लाई वन से करा तो आंसर हमारा क्या रहा फोर जैसे हम एट अपॉन नाइन में हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या रहेगा एट अपॉन नाइन किसी भी नंबर में हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर हमारा क्या रहेगा एज इट इज सेम रहेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा आगे देखिए मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है जैसे देखो फाइव है फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा वन अपॉन फाइव होगा ठीक है आपसे कहा जाए बताइए कि एट का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा तो वो होगा आपका वन अपॉन एट हो जाएगा आपसे कहा जाए कि सेवन अपॉन नाइन है सेवन अपॉन नाइन का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा तो वो हो जाएगा नाइन अपॉन सेवन जो भी आपको नंबर दिया है उसको क्या कर देंगे उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में क्या होगा हमारा जब भी हम क्या करते हैं जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो नंबर और जो उसका रेसिप्रोकल है उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल होता है वो वन इक्वल होता है जैसे देखो हमने क्या लिया हमने लिया सेवन अपॉन्ट नाइन लिया सेवन अपॉन नाइन हमारा क्या ओरिजिनल नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा नाइन अपॉइन सेवन इन दोनों की हमने देखो मल्टीप्लाई कर दी तो दोनों कैंसिल हो गए आपस में तो क्या आया वन जब भी किसी ओरिजिनल नंबर की और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आपस में प्रोडक्ट करते हैं या उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके कल होता है हमेशा वन के कल होता है। थैंक यू